नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा आधारित है छिंदवाड़ा नाम के शहर के पास स्थापित एक मंदिर के ऊपर जिसका नाम है जामसावली। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं जामसावली के ऊपर कितने वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो मंदिर है इतना ज्यादा ऐतिहासिक है, इतना ज्यादा चमत्कारी मंदिर है कि इस मंदिर से इतने बड़े बड़े चमत्कार जुड़े हैं, खासकर भूत बाधाओं के, जिसे सुनने के बाद ना आप लोग सचमुच में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो सकते हैं। दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि जामसावली में बजरंगबली का एक ऐसा मंदिर स्थापित है जहां पर बजरंगबली की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में, और वो लेटी क्यों थी, अपनी मर्जी से ही। उस मंदिर के नीचे यानी जहां पर वो बजरंगबली की मूर्ति लेटी हुई है, उसके नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। चोर चोरी करने आए थे तो वो खजाना बचाने के लिए वो मूर्ति लेट गई थी, और फिर लाख कोशिशें करने के बाद भी वो मूर्ति वहां से टस से मस नहीं हुई। इतना ही नहीं, उस मंदिर की मूर्ति के नाभि से लगातार ना जाने कितने वर्षों से एक पानी निकल रहा है, और वो पानी पी के बड़ी बड़ी बीमारियों से, खासकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से यू छुटकारा पाया जा सकता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर कोई भी भूत बाधा हो, बड़ी से बड़ी भूत बाधा हो, इस मंदिर की सीमा में एंटर करने के बाद वो यू छुमंतर हो जाती है। दोस्तों, ये ऐसा चमत्कारी मंदिर है ना जहां पर बहुत बड़ी बड़ी किस्से जुड़े हुए। आज का ये किस्सा ऐसा ही 15-16 साल पहले बीता था जो मैं आपको बताने वाला हूं। 15-16 साल पहले मेरे सब्सक्राइबर के पिताजी इस मंदिर पर विजिट कर रहे थे, और उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसे वो अपनी जिंदगी में, वो क्या उनके पूरे परिवार में से कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं भुला सकता। दरअसल उसके जो पिताजी थे वो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे। वो ही नहीं, उनके पिताजी भी और उनके भाई भी, ये तीनों ही बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे अपने अपने टाइम पर। लेकिन अभी फिलहाल इनका और इनके भाई का काफी टाइम से रूटीन बना हुआ था कि वो अक्सर बजरंगबली के उसी मंदिर में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, प्रार्थना करते थे, और फिर अपना आगे के दुनिया दिन बढ़ाते थे। दोस्तों, इनका घर छिंदवाड़ा में था जहां से ये मंदिर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी बाय कार बाय रोड जाए और नॉर्मल स्पीड में सुनसान सड़क में चलाए तो 2 से 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता था। तो अब क्या होता है भाई, काफी समय इनको मंदिर जाते हो गए थे। मैंने मेरे सब्सक्राइबर के पिताजी और उनके चाचा जी, मतलब दोनों भाई भाई, काफी समय से मंदिर जा रहे थे, लेकिन आज तक हैरान होने वाली बात यह है कि उन्होंने बजरंगबली की सुबह की आरती नहीं देख पाए थे। अब सुबह की आरती नहीं देख पाए तो वो दोनों डिसाइड कर लेते कि आज कुछ भी हो जाए, जो अगला मंगलवार आने वाला है, मतलब अगला मंगलवार परसों ही आने वाला था, इस मंगलवार की सुबह की 4 बजे वाली आरती जरूर हम लोग देखेंगे। और बस वो लोग ठान लेते हैं, और इसी मुताबिक वो लोग पूरी सोमवार की रात सोते नहीं है, रात के 2 बजे तैयार हो जाते हैं अपनी कार निकालकर उस मंदिर की तरफ बढ़ने के लिए। जाना सिर्फ सब्सक्राइबर के पिताजी और उसके चाचा को ही था। अब कार में जैसे ही बैठते हैं, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते ही है कि काफी टाइम तक कोशिशें करने के बाद भी वो कार स्टार्ट नहीं होती है। अब भाई पिताजी और चाचा जी बहुत ज्यादा टेंशन में कि इतने दिनों से तो कार चल रही है नॉर्मली, और अभी तो हमने हफ्ते भर पहले इसकी सर्विसिंग कराए हैं प्रॉपरली, तो अभी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। पिताजी और चाचा जी समझ जाते हैं कि ये कुछ संकेत है बजरंगबली का, लेकिन फिर भी काफी कोशिशें करने के बाद, बजरंगबली के हाथ पैर जोड़ने के बाद, नाम लेने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी ना कि मंदिर में आज आरती देखना, और भाई भगवान तो जरूर परीक्षा लेते ही लेते हैं, तो शायद आज उनका ये दिन था, क्योंकि ये दोनों भक्त थे ना, तो बजरंगबली भी देखना चाह रहे थे कि देखते हैं कितने बड़े भक्त हैं। तो भाई ये क्या करते हैं कि अब अपनी गाड़ी से उस मंदिर के रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं। सब कुछ अच्छा था जब तक 80 किलोमीटर का डिस्टेंस खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 80 किलोमीटर की दूरी तय होती है, मंदिर केवल 20 किलोमीटर ही बचता है, एक बहुत छोटा सा गांव आता है। वो छोटा सा गांव मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट में उनसे क्रॉस हो जाता है। जैसे ही वो गांव क्रॉस होता है ना, वहां पर पड़ता है एक बहुत ही घना जंगल, ऐसा घना जंगल जहां पर ज्यादा स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, एकदम सुनसान सड़क, कोई आने जाने वाला नहीं। लगभग लगभग रात के 3:30 बज रहे थे, और मतलब इतना खौफनाक मंजर था कि जो उस रास्ते से मतलब वाकिफ ना होना तो वो रास्ते में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। होता है रात के टाइम भैया, आप गाड़ी निकाल के देखो, सुनसान सड़क में चला के देखो, अनजानी सड़क होगी ना तो समझ में आ जाएगा, भूत प्रेत का नहीं और भी चीजों का डर बहुत ज्यादा सताने लगता है। लेकिन यहां पर ये दोनों थे, वहां के लोकल थे, काफी समय से उस रास्ते में ट्रेवल कर रहे थे, इसलिए ज्यादा घबराते नहीं है। अब क्या होता है, अचानक से बाहर मौसम अच्छा था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन पता नहीं कैसे बादल गरजने शुरू हो जाते हैं, बिजली चमकती है,
और फिर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इतनी जोरों की बारिश कि उनका जो विजन था कार के अंदर से वो क्लियर नहीं हो पाता है। देखना, जब कभी भी आप कार से हो, बाइक से हो, और बारिश बहुत तेज होने लगे, मेरे साथ हुआ है, कार और बाइक दोनों के टाइम पे हुआ है, बारिश बहुत तेज हो जाती है ना, तो आपका विजन क्लियर नहीं हो पाता है और फिर आपकी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं गाड़ी आगे बढ़ा लूं। और खासकर ऐसा रूट जहां के आप बहुत ज्यादा यूज टू नहीं है, वहां पर तो और ज्यादा टेंशन हो जाता है, तो अपनी गाड़ी की स्पीड काफी कम कर देते हैं। समय भी बहुत डरावना हो रहा था और उनको टाइम पर मंदिर भी पहुंचना था। आजू बाजू से कोई गाड़ियां नहीं थी, लेकिन इस बात का भी डर था कि आगे से अगर कुछ आ गया तो संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अचानक से 5 मिनट और आगे बढ़ते हैं, बिजली जोरों की कड़कने लगती है, उन्हें बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। अजीब सा ऐसा कि गाड़ी चल तो रही थी अभी तक नॉर्मली फ्रीली, लेकिन अभी ऐसी चल रही है कि यार जैसे गाड़ी को रोकने की कोशिश कर। एक घड़ी उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर जो आंधी तूफान बारिश है उसकी वजह से ये हो रहा होगा, टायर में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि हमें गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही, लेकिन नहीं। थोड़ी देर और चलता है और ऐसा लगने लगता है कि गाड़ी में और भी लोग बैठे हैं। होता है ना, गाड़ी आप एक जन को बिठा के चलाओ तो वो अलग एक्सपीरियंस होगा, और 15 जन को बिठा के चलाओ तो वो अलग एक्सपीरियंस होगा। वो गाड़ी इतनी टाइट उन्हें लगने लगी थी, मतलब स्मूथ नहीं चल पा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग इस गाड़ी में बैठे हैं। जैसे तैसे करके वो गाड़ी बढ़ाए जा रहे थे, वो समझना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों लग रहा है। अपना सामने का मिरर सेट करते हैं और अचानक से उनकी नजर पड़ती है पीछे वाली सीट पर, जो सीट खाली नहीं थी, वहां पर कोई बैठा हुआ था, कोई तीसरा इंसान। लेकिन घर से तो सिर्फ उसके पिताजी और चाचा जी ही निकले थे, मतलब 2 भाई ही निकले थे, तो फिर तीसरा इंसान उस गाड़ी की पीछे वाली सीट पर कौन आ गया? उसके पिताजी उसके चेहरे को समझना चाह रहे थे, घबरा तो गए थे, लेकिन जानना चाह रहे थे कि हमने गाड़ी तो कहीं रोके नहीं है, तो फिर ये आके कौन बैठ गया? कहीं चोर उचक्का तो नहीं है जो पहले से आके बैठा हुआ था? अचानक से मिरर सेट करके उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश ही करते हैं कि सामने की तरफ से बहुत जोर से हॉर्न बजता है, गाड़ी अनबैलेंस होती है, और गाड़ी संभालने के चक्कर में वो मिरर छोड़ देते हैं और स्टीयरिंग संभालने लगते हैं। जैसे तैसे करके गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है। गाड़ी कंट्रोल में आती है तो अपने भाई से कुछ नहीं कह पाते, फिर से गाड़ी बढ़ाने लगते हैं और फिर से मिरर सेट करके पीछे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे इस बार कोई नहीं था। अचानक से गाड़ी में ब्रेक मारते हैं, अपने भाई को बताते कि मुझे पीछे कोई महसूस हुआ, मुझे कोई दिखाई दिया। भाई पलट के देखते हैं, उतर के गाड़ी से दोनों गाड़ी की डिक्की से लेकर पूरी गाड़ी को चेक करते, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। गाड़ी फिर से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाने लगते हैं। अब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे गाड़ी का भार बढ़ता चले जा रहा है, बाहर बारिश बढ़ते चली जा रही है, तूफान बढ़ते चले जा रहा है, आंधी आ रही है, बिजली कड़क रही है। अब क्या होता है, अचानक से उनकी गाड़ी से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आने लगती है, ऐसी स्मेल जैसे कि डेड बॉडी सड़ जाती है ना, लिटरली उतनी गंदी स्मेल उन्हें आ रही थी। अब क्या होता है, और फिर उसके बाद धीरे 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 करके वो स्मेल और भी बढ़ती चली जाती है। वापस से उस सामने वाले मिरर से पीछे कोई दिखाई देने लगा था। अब साफ समझ में आ रहा था जो पीछे बैठा हुआ है ना, वो रेनकोट पहना हुआ है, बहुत पुराने जमाने का रेनकोट, वो पूरा भीगा हुआ सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में मिट्टी लगी हुई है, और वो बस एक तक बाहर की तरफ देखा जा रहा था। अब पिताजी समझ गए थे उसके कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल शक्ति नहीं है, क्योंकि जब भी हम चेक कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज गायब हो जा रही है। इशारा करते हैं अपने भाई को और दोनों ही मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। वो पहले अपनी गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम था उसमें हनुमान चालीसा प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, इन प्ले नहीं हो पाई थी, उन्होंने बोले छोड़ो, खुद से जाप करना शुरू कर देते हैं। स्मेल बढ़ती चली गई, रास्ता कठिन होता चला गया, पीछे का एक्सपीरियंस और ज्यादा डरावना होते चले गया था, क्योंकि जो पीछे बैठा हुआ था वो अब और भी ज्यादा वाहियात दिखने लगा था, बार बार नजर जा रही थी। किस्मत अच्छी थी दोनों की, क्योंकि दोनों ही भूत प्रेतों से घबराते नहीं थे। और ऐसे ही करके आने वाले और 10 मिनट बीते और उस मंदिर की सीमा प्रारंभ हो गई। और जैसे उस मंदिर की सीमा प्रारंभ हुई, वो स्मेल मानो कि ऐसे गायब, बिल्कुल खत्म, जैसे कोई स्मेल थी ही नहीं गाड़ी में। इतनी गंदी स्मेल कि कोई नॉर्मल इंसान सूंघे तो बेहोश हो जाए, वो स्मेल तुरंत गायब हो गई, वो भी बंद कार से। सब कुछ उसके जो साइड मिरर्स होते हैं वो सब कुछ बंद थे, फिर कैसे स्मेल गायब हो गई? जो गाड़ी इतनी ज्यादा भारी लग रही थी चलाने में, गाड़ी इतनी हल्की हो गई, अचानक से स्मूथ चलने लगी, अचानक से जो मन भारी लग रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो लोग उस मंदिर में पहुंचे, भगवान की पूजा अर्चना किए,
पहली बार जिंदगी में उन्होंने बजरंगबली की वहां पर आरती देखे और खुशी खुशी अपने घर पर लौटे। ये बात उन्होंने अपने घर में सारे परिवार वालों को बताया, जिसे सुनकर सारे परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हुए और काफी सारे लोग परेशान भी हुए कि क्या सामना कर लिया, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो क्या होता। लेकिन उसके पिताजी और चाचा जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि बजरंगबली हमारी परीक्षा ले रहे थे, और अगर ये परीक्षा नहीं भी है तो हमें ये विश्वास हो गया कि हमारा जो बजरंगबली के लिए विश्वास है ये अटूट है, ये श्रद्धा अटूट है, जिस श्रद्धा के चलते आने वाली जिंदगी में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, हमेशा मैं आप लोगों को याद दिलाते भी रहता हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर आ जाइए। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ। कोई अलग स्टोरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए या इंस्टा के लिंक में आकर जरूर डीएम कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए।